हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एसएससी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एसएससी के अंदर आने वाले सभी सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, और आने वाले अपकमिंग वीडियोज के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। तो देखिए, जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा हो कि इसमें कैलेंडर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, ज्यादातर इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एसएससी या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, ठीक है। इसमें तीन चीजें, एक तो ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर, और इसके अलावा ओड डेज का कंसेप्ट। ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर लूंगा, तो उसके बाद ही आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और टॉपिक देखिए काफी इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करने हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ रहे हैं, वहां से भी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट भी दें, ठीक है ना, ताकि सभी टाइप के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लें। उसके बाद आपके लिए एग्जाम में आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंसेप्ट है, जैसे ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, और उसके बाद उनका ओड डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी इसका डिस्कस करूंगा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी जो आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की, चाहे मैं बात करूँ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, या रेलवे में अगर बात मैं करूँ तो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की, तो इसके अंदर आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स तक, अगर वो भी इनमें से किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपको बता रहा था, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, बेसिकली द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। जिसमें देखिए 365 डेज होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर। और लीप ईयर जैसे आपको पता है हर 4 साल में एक बार हमारा लीप ईयर आता है, और उसमें कितने दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 डेज होते हैं, ठीक है। लीप ईयर है 366 डेज, जबकि ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हर 4 साल में जो है एक बार ये लीप ईयर आता है, सो एवरी ईयर। और कैसे आपको पता चलेगा कि कोई जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, उसके लिए देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 चल रहा है, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो यानी इस साल कितने दिन रहेंगे हमारे, 366 डेज, यानी बेसिकली अब तो ये मंथ देखिए जा चुका है फरवरी मंथ में, आपको पता है कि एक दिन हमारा बढ़ जाता है, इस बार 29 फरवरी भी थी, ठीक है। वैसे देखिए 28 दिन होते हैं फरवरी में, लेकिन लीप ईयर के केस में जो है 29 दिन हो जाते हैं फरवरी मंथ में। तो ये साल जो है 2020 ये लीप ईयर था इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आगे हम चलेंगे 4 साल बाद 2024 में अब हमारा लीप ईयर आएगा, फिर 2028 में, तो ऐसे 4 4 साल का गैप होता है। और अगर आपको कभी भी पता करना हो कि चाहे वो, अगर मैं आपसे कहूँ 2050 वो लीप ईयर होगा या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो सिंपली आप 4 से डिवाइड करके देखें, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया 2020 को अगर आप डिवाइड करें 4 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसलिए जो ये वाला हमारा साल है ये लीप ईयर वाला है, और इसमें 366 डेज है। तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया फरवरी मंथ में जो है इस बार 29 दिन थे, और वैसे ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं, ठीक है। ये तो देखिए नॉर्मल बात करें, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2000, जो भी सन 2000 आया था, इसके बाद जो है 3000 आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए अगर हम बात करें 3500, 3600, 3700, जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं जिसके पीछे 2 जीरो होते हैं, तो उसे हम कैसे पता करते हैं, उसका देखिए थोड़ा सा अलग है कि वो लीप ईयर है या नहीं। सो एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड नो सेंचुरी अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 400, जब बहुत पहले 400 ईयर रहा होगा, फिर 800, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको हर चौथी सेंचुरी जो है लीप ईयर होती है, जबकि एंड नो अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था फॉर एग्जाम्पल 1944, 2008, 1680, ये सारे क्या है, लीप ईयर। और मैंने आपको सेंचुरी ईयर के बारे में बता रहा था, इसे हर 400 साल के गैप के बाद, यानी सबसे पहले 400, 800, 1200, 1600, अब देखिए सन 2000 अभी अभी गया है, इसके बाद जो है फिर 400 को अगर हम गैप ले ले तो 2400, फिर 2800, इस तरीके से हर 400 साल के जो है बाद जो है हमारा लीप ईयर आता है। इसका मतलब 500, 600 या 700 जो ईयर रहे होंगे पहले, वो हमारा लीप ईयर नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट। ऑर्डिनरी ईयर में बेसिकली हमारे 365 डेज होते हैं, यानी फरवरी मंथ में 28 डेज, जबकि लीप ईयर जो है वैसे हमारा नॉर्मली हर 4 साल के बाद आता है। जैसे मैंने आपको बताया 2020 हमारा लीप ईयर है,
ठीक है। तो इसमें जो है आपने देखा होगा फेब्रवरी मंथ में हमारा 29 फेब्रवरी भी थी, ठीक है ना, एक दिन यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। और ऐसे अगला हमारा लीप ईयर कौन सा आएगा, 2024। तो हर साल 4 साल के गैप के बाद, और मैंने आपको सेंचुरी ईयर के बारे में बताया, इसमें क्या है हर 400 साल के बाद ये साइकिल रिपीट करते हैं। यानी सबसे पहले जब सन 400 रहा होगा तब लीप ईयर है, फिर अब 800, 1200, 1600, यानी जो भी सन 2000 गया है अभी कुछ, आपको 20 साल पहले आज से जब 2000 था तो वो एक लीप ईयर था, तो अब इसके बाद जो है 400 साल का आप और गैप ले ले तो 2400 जो आएगा जब सन, तो वो हमारा लीप ईयर होगा। तो ये मैंने आपको दोनों का बता दिया, ठीक है ना, सेंचुरी ईयर के केस में भी, और वैसे हम कैसे चेक करते हैं कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आपको ओड डेज का कंसेप्ट क्या होता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक ऑर्डिनरी ईयर में मैंने आपको जैसे बताया 365 डेज होते हैं, ठीक है। अगर आप 365 डेज को वीक्स में अगर कैटेगराइज करें, डिवाइड करें, मतलब अगर आप यहाँ पे 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको देखिए 52 वीक्स तो पूरे मिल जाएंगे, और इसके अलावा एक हमें अलग से दिन मिलेगा। यानी 365 डेज में हमारे पूरे 52 वीक्स होंगे, यानी आपको पता है हर वीक में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो वैसे हमारे 52 वीक्स बनेंगे, क्योंकि अगर 52 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 364 होता है, और उसके अलावा एक दिन हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो 52 तो एग्जैक्टली कंप्लीट वीक्स, और एक जो बचा हुआ दिन है वही हमारा क्या होता है, ओड डे हम कहते हैं। सो वन ऑर्डिनरी ईयर हैज वन ओड डे। अब चाहे देखिए कोई भी आप ऑर्डिनरी ईयर ले ले, यानी 2021, 2022, 2023, आप देखेंगे इसके अंदर एक और दिन आपको मिलेगा, यानी 52 कंप्लीट वीक्स प्लस में वन ओड डे। जबकि जब हम बात करते हैं लीप ईयर के केस में, आपको पता है एक दिन एक्सटेंड हो जाता है, यानी 366 डेज, तो उसमें आपके कितने बनेंगे, 52 वीक्स और दो बन जाएंगे दिन, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है जब आप 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए किस पे जाता है, 364 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है ना, 364 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर के केस में एक ओड डे बच जाएगा और लीप ईयर के केस में दो ओड डेज, ठीक है। सो वन लीप ईयर हैज टू ओड डेज, यानी इस साल 2020 में कितने ओड डेज होंगे, दो ओड डेज। अब अगला दो ओड डेज हमारे कब होंगे, 2024 में, ठीक है। अब देखिए ये तो नॉर्मली होगा, आपको पता चल गया एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, वो आपको देखिए माइंड में याद होना है, ठीक है। आपको एग्जाम टाइम पे कैलकुलेट नहीं करके देखना, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक ऑर्डिनरी ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, जो कि 52 वीक्स एग्जैक्टली और वन ओड डे, और वैसे लीप ईयर के केस में 52 वीक्स और दो ओड डेज। अब हम आपको देखिए, वैसे आपको जो मैंने आपको सेंचुरी ईयर्स के बारे में बता रहा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओड डेज 100 ईयर्स में कितने होते हैं, ठीक है, 100 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं। तो देखिए 100 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो 76 तो हमारे हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर्स, इसके अंदर आउट ऑफ अगर आप 100 चेक करें तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स और 24 लीप ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया 4 की साइकिल जो रोटेट करती है, तो अगर आप वो चेक करेंगे तो आपको पूरे एक, अगर हम 100 साल का गैप लें तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, उसमें हमारे 76 ऑर्डिनरी ईयर्स आएंगे और 24 लीप ईयर। सो मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डिनरी ईयर के केस में एक ओड डे होता है तो 76 इंटू वन, और लीप ईयर के केस में दो, तो आप 24, क्योंकि लीप ईयर है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितने आ गए, 124 ओड डेज। अगर जैसे ही देखिए हमारे ओड डेज 7 से ज्यादा आ जाते तो हम एक बार फिर से, जब तक देखिए हमारा रिमाइंडर 7 से नीचे नहीं होता तब तक हम उसे डिवाइड करते रहेंगे। अगर आप 124 को भी 7 से डिवाइड करें तो आपको कितना आ जाएगा, 17 वीक्स और 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि ओड डेज 100 ईयर्स में कितने हैं, 5, ठीक है। तो हमेशा हमारे जो ओड डेज है वो 7 से कम होने चाहिए, ठीक है, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, जब तक जो है हमारा रिमाइंडर 7 से कम नहीं हो जाता। तो वैसे जैसे मैंने पता है 100 ईयर्स के केस में पूरे 100 सालों का कैलकुलेट किया, जिसमें 76 हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स बने और 24 लीप ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर के केस में मैंने बताया एक ओड डे होता है, तो इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, और लीप ईयर के केस में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे टोटल आगे 124 ओड डेज, क्योंकि ये 7 से ज्यादा है तो दोबारा इसे डिवाइड करेंगे तो 17 वीक्स प्लस में 5 रिमाइंडर बचा। तो यानी हम कह सकते हैं 100 साल में हमारे कितने होते हैं, 5 ओड डेज। वैसे अगर आपको देखिए टोटल 200 ईयर्स का कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम सिंपली 100 से 200 पे कैसे जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही ओड डेज में भी अगर हमें 100 से 200 पे जाना है, तो 100 साल से 200 साल में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ओड डेज को भी हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 = 10, तो 10 ओड डेज। और मैंने आपको जैसे ही बताया कि जैसे ही आपके ओड डेज 7 से ज्यादा हो जाते हैं तो आप एक बार फिर से उसे डिवाइड करेंगे, तो आप 10 ओड डेज को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितने ओड डेज बचेंगे, 3 ओड डेज। तो यानी अब हमने देखिए विदाउट पेन एंड पेपर मैंने आपको बता दिया कि पूरे 200 साल के गैप में कितने ओड डेज आते हैं, 3। वैसे अगर आपको मैं 300 साल का गैप की बात करूं, तो देखिए 100 से 300 पे आने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 100 से 300 पे आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ओल्ड डेज में भी अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15। अब देखिए 15 क्योंकि जो है 15 को अगर आप 7 से ज्यादा है तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 ओड। तो यानी अगर हम 300 साल का गैप ले तो आपको कितने ओड डेज मिलेंगे, 1। अब हम बात कर रहे थे 400 साल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम 400 साल के
कि अगर टाइम फ्रेम को अगर माने समझे तो जैसे 100 से 400 पे आने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। वैसे ही अब देखिए, आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और डेज आएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, अब हमने जब 100 से 0 से लेके 400 के टाइम पीरियड के बीच में जब हम जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हर 400 ईयर, फिर जैसे मैंने बताया सेंचुरी ईयर हमारे कौन कौन से होते हैं, 400, 800, 1200। तो इसलिए जब हम 400 ईयर्स का गैप लेंगे तो उसमें एक हमारा और एक्स्ट्रा जो है लीप ईयर आ जाएगा, तो उसका भी आपको यहाँ पे डे ऐड करना पड़ेगा। तो 5, 4, 20 तो मैंने किया ही, इसके अलावा प्लस 1 ऐड करेंगे तो 21, और फिर आप जब उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 400 साल के गैप में कोई भी और डे नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको 100 का गैप, 100 के केस में हमने बता दिया कि 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स। ठीक है, फिर ऐसे हमने 200 साल का, 300 साल का जब कंसीडर किया टाइम पीरियड, जब हम देखिए 400 साल का करेंगे तो मैंने आपको बताया हर 400 ईयर के गैप के बाद जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है वो भी हमारा लीप ईयर होता है। तो जब मैं 400 साल में जा रहा हूँ के टाइम पीरियड में, तो मेरे को सेंचुरी ईयर का भी लीप ईयर कंसीडर करना है, जो कि अभी तक मैं यहाँ पे नहीं कर रहा था, 100 साल, 200 साल, 300 साल। लेकिन जब मैंने 400 साल पे जैसे ही मैं गया, तो 100 से 400 पे जाने के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे मैंने 5 और डेज को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। लेकिन क्योंकि 400 वाला जो हमारा ईयर है वो एक सेंचुरी, वो एक लीप ईयर है, तो उसका भी एक हमें और डे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो अब आगे 21 और डेज, तो फिर जब आप 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी हर अगर हम 400 ईयर का गैप ले तो हमारा कोई भी ओड डे नहीं होता। ठीक है, अगर हम 400 साल के टाइम पीरियड में कैलकुलेट करें, 300 के केस में मैंने आपको बताया एक ओड डे होता है, 200 साल का अगर आप गैप लेते हैं तो उसमें आपके 3 ओड डेज होते हैं, और 100 साल का मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये वाली टेबल को आप जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर आपको नंबर ऑफ ओड डेज मिलते हैं, अगर वन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओड डेज अगर आपको वन मिलते हैं तो उससे रिलेटेड आपका कौन सा दिन बनेगा, मंडे बनेगा। ठीक है ना, अगर आपको लगता है आप कहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ ओड डेज 4 आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपसे डे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो वो कौन सा डे आएगा, हमारा थर्सडे। ठीक है ना, इस तरीके से जो है हम डे ऑफ द वीक कैलकुलेट करते हैं, यानी कौन सा दिन रहा होगा, और वो हम ओड डेज के विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। आपको सबसे पहले ओड डेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, अगर आपके 5 ओड डेज आ रहे हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग हमारा डे कौन सा बनेगा, फ्राइडे। ठीक है, खैर ये टेबल को तो आप नोट डाउन कर लें। अब ये वाला क्वेश्चन है कि आज जो है थर्सडे, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल देखे, वैसे वैसे आज जरूरी नहीं है कि दिन थर्सडे हो, लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि टुडे इज थर्सडे तो आफ्टर 64 डेज इट विल बी, तो आपको देखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन है आपको उसे ट्रू मान के चलना पड़ेगा। अगर इन्होंने कहा है कि आज अगर थर्सडे है तो आप मान के चले कि आज थर्सडे है, और आज के 64 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो जैसे देखिए आपको पता है हर साल के हर 7 डेज के बाद जो है हमारा वीक रिपीट करता है। ठीक है ना, हर 7 डेज के बाद जो है हमारा वीक रिपीट करता है। ठीक है, तो हम अगर साइकिल रोटेट करना स्टार्ट करें 7 की, तो 7 9 जा 63 होता है, तो यानी सो आफ्टर 63 डेज फिर जो है हमारा कौन सा दिन आएगा, थर्सडे आएगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया आफ्टर 64 डेज, तो आप इसमें एक दिन और ऐड कर ले तो हमारा दिन कौन सा बनेगा, उस दिन फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना था। मेरे को बताया, मेरे को बताया ना, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन के सारे प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन तो आप विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व कर पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आज थर्सडे है, अगर आज थर्सडे है, 64 दिनों के बाद, आज से 64 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो जैसे मैंने बताया आपको पता भी है कि हर 7 दिन के बाद जो है हमारा डे रिपीट करता है। ठीक है ना, हर 7 दिन के बाद जो है हमारा वो दिन रिपीट करता है। अगर आज संडे है तो अगर इसमें आप 7 ऐड कर देंगे तो फिर आपका संडे आ जाएगा। तो वैसे ही इसमें अगर आप 7 की साइकिल रोटेट करते हैं, 7 2 14, 21 28, ऐसे करते करते 63 डेज की अगर हम बात जाएं तो उस दिन फिर से थर्सडे आएगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद हमारा डे रिपीट करता है। लेकिन हमसे क्योंकि आफ्टर 64 डेज पूछा गया तो इसमें एक और ऐड कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, अब ऐसे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन जनवरी 1, 1993 इफ डे ऑन जनवरी 1, 1992 वाज वेडनेसडे। अगर 1 जनवरी 1992 को अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए मैं आपको यही बता दूं कि हर अगर आप साल के बाद अगर जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी 1, 1992 को वेडनेसडे है तो जनवरी 1, 1993 को देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो सिंपली एक दिन का ऐड हो जाता है। यानी अगर वेडनेसडे, अगर जनवरी 1, 1992 को वेडनेसडे है तो जनवरी 1, 1993 को क्या होना चाहिए, थर्सडे। ये ऑर्डिनरी ईयर के केस में, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1992 को सबसे पहले आप चेक करें कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया 4 से सिंपली डिवाइड करें तो ये 4 4 जो 16 चला जाएगा, 39, 4 9 जो 36 और 32 चला जाएगा 8 पे। तो यानी 1992 जो है वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई साल अगर एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो 1992 साल हमारा रहा होगा वो क्या था, लीप ईयर था। तो इसका मतलब
वैसे नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक दिन का ऐड कर देते हैं। अगर जैसे मैं ये आपसे कहूँ कि अगर जनवरी 1, 1993 को अगर वेडनेसडे होता तो जनवरी 1, 1994 को क्या होता, सिंपली एक दिन ऐड हो जाता यानी थर्सडे होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर वाला कंसेप्ट आ गया, जनवरी 1, 1992 क्योंकि लीप ईयर है तो इसमें हमारा क्या होगा, 2 दिन ऐड होंगे। एज 1992 बीइंग अ लीप ईयर सो इट हैज 2 ओड डेज, सो द फर्स्ट डे ऑफ द 1993 विल बी 2 डेज बियॉन्ड वेडनेसडे यानी फ्राइडे। और आपको ये भी चीज चेक करनी, क्योंकि हम जनवरी 1 से चेक कर रहे हैं, और आपको पता है हमारा लीप ईयर कब आता है, फेब्रवरी मंथ में, ठीक है ना। जो भी हमारा लीप ईयर वाला साल होता है उसमें जो एक दिन ऐड होता है वो किस मंथ में होता है, फेब्रवरी मंथ में। और यहाँ पे वो फेब्रवरी मंथ जो है इंक्लूडेड है, 1992 ईयर का फेब्रवरी मंथ क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है, और 1992 में क्योंकि वो एक लीप ईयर भी है तो इसलिए हमारे यहाँ पे 2 दिन ऐड होंगे। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया, अगर यही आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता कि जनवरी 1, 1993 को अगर वेडनेसडे है तो जनवरी 1, 1994 को कौन सा दिन होगा, तो एग्जैक्टली हम क्या करते, एक ऐड कर देते, तो यानी थर्सडे आंसर होगा। लेकिन इस केस में हमें 2 दिनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये लीप ईयर वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था कैलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। इसके देखिए और भी काफी सारे क्वेश्चन है, काफी टाइप के बनते हैं इसको लेके, देखिए हम आगे भी वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे डिटेल में। इसके अलावा आप हमारी YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ऐसी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ रेगुलरली कवर करेंगे ही। इसके अगर मैं बात करूँ, अगर आप बैंकिंग, SSC या रेलवे के एस्पायरेंट हैं और अगर आपको पूरा कोर्स डिटेल में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं जो कि takshilalearning.com, जहाँ पे अभी हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है और हम लगातार बेसिस पे 50 50 स्टूडेंट्स का ऐसे बैच बना रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन एम यही है कि पहले अटेम्प्ट में आपसे ये इन एग्जाम्स कि आपको क्रैक कराना है, चाहे वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या SSC की। उसके लिए हम आपको पूरा तो कोर्स प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे ताकि आप, चाहे वो कंसेप्ट हो गए, आपके डाउट्स है वो लाइव क्लासेस के भी थ्रू सॉल्व हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब आपको जो है इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको क्या है, सिंपली हमारी वेबसाइट पर चले जाए तक्षशिला लर्निंग पर, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।